नहीं, त्रिपुरा के कल्चर में पहले से है बॉम्ब मेकिंग। मुझे बहुत दुख लगता है कि कोई बॉम्ब फेंक रहा है, कोई किसी का स्टेज को डंडा मार के तोड़ रहा है, लेकिन ये त्रिपुरा का कल्चर में है। ये कल्चर एक दिन में शुरू नहीं हुआ, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए मीडिया और जो यंग जनरेशन है उनको ऐसे रंग का पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। किसी को वायलेंस से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, स्टेट का नाम खराब होता है, बिजनेस खराब होता है। और सच बात बोले तो जो यंगस्टर्स हैं जिनको वी ट्राई टू गेट देम इनटू पॉलिटिकल स्फीयर, वी से दैट यंग पीपल, क्लीन पीपल शुड जॉइन पॉलिटिक्स। व्हाई विल एनीवन जॉइन पॉलिटिक्स व्हेन इट्स फिल्ड विद माफियाज, क्रिमिनल्स एंड गुंडास? सो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग दैट टुडे। एक टाइम था व्हेन पीपल जॉइन पॉलिटिक्स और किधर समाज का सेवा, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा उल्टा हो गया। कोई भी अच्छा परिवार से कोई भी यूथ, महिला हो या पुरुष हो, वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करेगा जब वो देखता है कि इतने ख़राब तरीके से रास्ते में फाइटिंग हो रहा है? ये 21st सेंचुरी में शोभा भी नहीं देता। वेरी सैड, मैंने ये कमेंट किया है। और इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा है कि ये कल्चर वेस्ट बंगाल में है, केरला में है और त्रिपुरा में है। बहुत लोग ने बोला है कि ये आपने यूपी और बिहार के बारे क्यों नहीं पूछा। यूपी और बिहार में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं, कास्ट वायलेंस होता है। यादव, दलित, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, वो कास्ट वायलेंस है। वहाँ में कास्ट के खिलाफ वायलेंस होता है। यहाँ में आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, अगर आपका पार्टी अलग है तो आप दूसरे के ऊपर हमला करते हो, उससे स्टेट का बहुत नुकसान होता है। अगर हाँ, CPM था और ये कल्चर है। पॉलिटिकल वायलेंस इज अ कम्युनिस्ट कल्चर विच आज CPM वेस्ट बंगाल में नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन तभी भी तृणमूल और BJP ने वो वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि एक बार जब हमारे खून में ये आ जाता है तो पार्टी रहे या ना रहे एक कल्चर बन जाता है। अगर कल BJP समाजवादी नहीं भी रहे उत्तर प्रदेश में, या राष्ट्रीय जनता दल उत्तर बिहार में नहीं भी रहे, तभी भी कास्ट वायलेंस उत्तर प्रदेश में अब रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम में घुस चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए एक नया सोच चाहिए, एक अलग रकम का अप्रोच चाहिए।